हेलो एवरीवन, दिस इज रूपल द टैरो कार्ड रीडर। वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत वत्स। तो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे कि आपके जो क्लोज वंस हैं उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है या क्या करंट फीलिंग है, लव, अफेयर, मैरिजेस, कपल, क्लोजनेस, इसके ऊपर आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके पार्टनर्स और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो मैं तीन सेक्शन में बात करूंगी, ए, बी और सी। तीन जगह पे मैं अपने अलग 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 कार्ड्स निकालूंगी, आपको मैं दिखा देती हूँ हाउ इज गॉन बी। तो ये आ गया सेक्शन ए का कार्ड्स, ये है सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी। तो आपको मैं कार्ड्स क्लोज बाय से दिखा देती हूँ। जिनको भी एकदम ज्यादा कार्ड्स अट्रैक्ट करते हैं उनको सेक्शन सिलेक्ट करने अपने हिसाब से, दिस इज ए, बी एंड सी। तो आपको जो भी अपने हिसाब से अट्रैक्ट करता है वो सेक्शन आप सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। तो चलो सेक्शन ए के साथ में हम जाते हैं कि आपके कार्ड्स और आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो सेक्शन ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। ओके, द हेरोपंट, द टॉवर एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यू कैन सी दिस कार्ड्स, तो आपकी लाइफ में आप दोनों को बहुत ज्यादा ही किसी बड़ों की या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट करने की कोशिश भी कर रहा है, या आपके घर वाले भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, या कोई भी नहीं चाहता है कि ये रिलेशनशिप बिल्ड हो। इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप, मैं बोल सकती हूँ कि आगे अगर आप दोनों का हो भी जाता है तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। दिस इज सेक्शन ए का कार्ड, विच इज नॉट गुड। और अगर आपको आपकी लाइफ में और लव के रिलेटेड अपनी चीजों को सुधारना है तो आप ऐसे रोज क्वार्ट्ज के ट्री है या स्टोन्स है या ये सब चीजें हैं जो डक्स है, ये आपको क्रिस्टल्स अपनी लाइफ में यूज करने चाहिए, स्पेशली सेक्शन ए वाले को जिन्होंने सेक्शन ए सिलेक्ट किया है। तो चलो हम कार्ड सेक्शन बी की तरफ जाते हैं कि बी क्या कहता है। ओके, लेट्स चेक द कार्ड। चलो मैं आपको कार्ड्स दिखा दी, दिस आर द कार्ड्स। जिन्होंने भी सेक्शन बी सिलेक्ट किया ये उनके लिए है। तो चलो हम रीडिंग कर लेते हैं, व्हाट आर द रीडिंग्स। कार्ड वन आया है, फोर ऑफ कप का कार्ड आया है। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत सारा हार्डवर्क, अपना टाइम देने की कोशिश कर रहा है, बट वो अप टू द मार्क आपकी हर चीज पूरी नहीं कर पा रहा है। अभी के टाइम पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा उसकी चीजों को लेके, ज्यादा घाई नहीं करना होगा क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। तो हर चीज पे चिढ़ जाना या कोई भी चीज को लेके गुस्सा करना या चीजों को बैलेंस नहीं करना, ये आपके लिए खराब हो सकता है। दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है तो ही ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। दिस वॉज सेक्शन बी। चलो हम सेक्शन सी चेक कर लेते हैं, व्हाट इज सेक्शन सी, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो सेक्शन सी में आ गए हैं हम लोग, कार्ड्स चेक कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, जिन्होंने सेक्शन सी सिलेक्ट किया है। आप ऐसा समझ लिए कि ये मिरेकल या मैजिकल कार्ड्स है आपके लिए। तो चलो हम कार्ड्स के बारे में बात कर देते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का है और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डिवाइन के ब्लेसिंग्स है या डिवाइन चाहता था, यूनिवर्स चाहता था, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिले हो। आप दोनों अगर साथ में काम करते हो या चीजें बिजनेस करते हो या बाहर घूमने जाते हो, फैमिली को लेके जाते हो, फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, तो बहुत ही ब्यूटिफुली आप एक बहुत अच्छे सोल्यूशन के साथ आ सकते हो। दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, इंटेलिजेंट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो चाहूंगी कि आप दोनों जल्दी से, अगर शादी जिनकी नहीं हुई है वो शादी कर ले, बिकॉज ऐसे कार्ड्स हर किसी के नहीं आते हैं, ये डिवाइन मैजिकल कार्ड्स है। तो आप दोनों को ये चीज करनी चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। द कार्ड्स आर वेरी गुड एंड आई होप अ गुड लाइफ अहेड। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।